हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह स्वागत करता हूं मनोज आईएएस यूट्यूब चैनल में। आज आपको भूगोल की जो आपको आंसर राइटिंग कराना है और उसमें से कुछ चीजें मैं कर रहा हूं और उसमें छठवां क्वेश्चन है। अभी मैंने इसके पहले जो कराया था इसका पार्ट टू है। पार्ट टू का पहला क्वेश्चन है हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में। हिमालय कि उत्पत्ति के संबंध में प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। हिमालय के निर्माण की प्रमुख अवस्थाओं को स्पष्ट कीजिए। आपको पता है कि हिमालय एक बलित पर्वत का उदाहरण है और इसे उत्तर भारत का प्रहरी भी कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं उत्तर की तरफ से भारत पर हिमालय जहां तक फैला हुआ वहां से कोई भी आक्रमण भारत पर नहीं कर सकता है, तो इसलिए जो है भारत के एक प्रहरी के रूप में ये जाना जाता है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार हिमालय का उद्भव भारतीय प्लेट से के यूरेशिया प्लेट से कटकर टक्कर होने के कारण हुआ है। उत्तर में अवस्थित यूरेशिया प्लेट एवं दक्षिण भाग में स्थित भारतीय प्लेट के मध्य टेथीज नामक एक सागर था। टेथीज नामक एक सागर एक भू अभिनित थी। भारतीय प्लेट के ऊपर की ओर खिसकने से टेथी सागर सिकुड़ने लगा और टेथी सागर क्या हुआ, सिकुड़ने लगा। भारतीय प्लेट का यूरेशिया प्लेट के नीचे छेपा होने से टेथी सागर में अवसाद संपीड़ित होकर ऊपर उठने लगा, जिससे हिमालय पर्वतमाला अस्तित्व में आई। इसके साथ ही हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण बेसिन में अपरदन के कारण बलुआ पत्थर एवं बजरी निक्षेपण प्रारंभ हो गया। इस निक्षेपण से भू अभिनित की गर्त भरने की प्रक्रिया आरंभ हुई। इसको गर्त भरने की प्रक्रिया क्या होती है, आरंभ होती है। गर्त भरने की प्रक्रिया यहां पर आरंभ हो जाती है। भूगर्भिक सर्वेक्षणों से प्राप्त प्रमाणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि हिमालय की उत्पत्ति के तीन प्रमुख घटनाएं थी। हिमालय की उत्पत्ति की तीन प्रमुख अवस्थाओं में घटित होती हैं या तीन प्रमुख कारण थे। पहली अवस्था में बृहद हिमालय केंद्रीय हिमालयी अक्ष पर उत्थान हुआ। इसकी रचना ओलिगोसीन से लेकर ईओसीन युग की रवेदार तथा औषधि चट्टानों से हुई थी। दूसरा है माओसीन युग में दूसरा उत्थान हुआ जिसके परिणाम स्वरूप लघु हिमालय की उत्पत्ति हुई। तीसरा इसका कारण है उत्तरी प्लायोसीन युग में तीसरे उत्थान के रूप में शिवालिक हिमालय अस्तित्व में आया। इस प्रकार हिमालय का उत्थान एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है और यह वर्तमान समय में भी जारी है। हिमालय पर्वत के सभी पर वर्तमान लक्षण तथा स्तर की भिन्नताएं यहां की भू आकृतिक जटिलताओं को दर्शाती है। इन लक्षणों का विकास अपरदन के कारणों जैसे हिमानियों तथा नदियों द्वारा प्रवाहित जल द्वारा हुआ है यह प्रक्रिया जो है यहां पर प्रारंभ होती है। आपको बता दें जो हिमालय है, हिमालय प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार हिमालय प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है और इसके हिमालय का उद्भव भारतीय प्लेट का यूरेशिया प्लेट से टकराने के कारण हुआ है ऐसा माना जाता है। उत्तर में अवस्थित यूरेशिया प्लेट और दक्षिण भाग में स्थित भारतीय प्लेट के मध्य में टेथीज नामक एक भू अभिनित थी। भारतीय प्लेट के उत्तर की ओर खिसकने से टेथीज सागर सिकुड़ने लगा। भारतीय प्लेट का यूरेशिया प्लेट के नीचे छिप्पण होने से टेथीज सागर में अवसाद संपीड़ित होकर ऊपर उठने लगा, जिससे हिमालय पर्वतमाला अस्तित्व में आई। इसके साथ ही हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण के बेसिन में अपरदन के कारण बलुआ पत्थर एवं बजरी का निक्षेपण प्रारंभ हो गया। इस निक्षेपण से भू अभिनित गर्त भरने की प्रक्रिया हुई। अब भूगर्भी सर्वेक्षणों के प्रयास पर्याप्त प्रमाणों के अध्ययन से यह निष्कर्ष
निकाला निकाला गया कि हिमालय की उत्पत्ति तीन प्रमुख अवस्थाओं में घटित हुई। पहली अवस्था क्या थी? पहली अवस्था ये थी, पहली अवस्था में बृहद हिमालय केंद्रीय हिमालय अक्ष का उत्थान हुआ। इसकी रचना ओगिलोसीन से लेकर इओसीन युग की रवेदार तथा औषधि चट्टानों से हुई थी। दूसरा है माओसीन युग में दूसरा उत्थान हुआ जिसके परिणाम स्वरूप लग हिमालय की उत्पत्ति हुई। तीसरा है उत्तर प्लायोसीन युग में तीसरे उत्थान के रूप में शिवालिक हिमालय अस्तित्व में आ गया। इस प्रकार हिमालय का उत्थान एक लंबी प्रक्रिया है का परिणाम है और यह वर्तमान समय में भी जारी है। हिमालय पर्वत के सभी वर्तमान लक्षण तथा स्तर की विभिन्नताएं यहाँ की भू आकृति जटिलताओं को दर्शाती हैं। इन लक्षणों का विकास अपरदन के कारण जैसे हिमानियों तथा नदियों द्वारा प्रवाहित जल द्वारा हुआ है। ये इसका उत्तर होगा। इस तरह से इसका उत्तर आपको लिखना है। अगला आपका प्रश्न है भूकंपीय, कभी भूकंप आते हैं तो कभी भूकंप बुलाए जाते हैं, इस कथन का परीक्षण करें। कभी भूकंप आते हैं तो कभी भूकंप को हम बुलाते हैं, इस लक्षण का प्रमुख कारण क्या है? तो आप जान लीजिए कि भू अभ्यंतर के विषय में ज्ञान प्राप्त के साधनों में ज्वालामुखी से निकले पदार्थ, धरातल के नीचे हुए खनन, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन तथा आकाशीय पिंडों पर हो रहे शोध मुख्य हैं। सभी स्रोतों पर भूकंपीय तरंगों ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। ज्वारी उद्गार से निकले गर्म गाढ़े लावा, ज्वारी उद्गार से क्या क्या निकलते हैं? गाढ़े लावा, गाढ़े निकले गर्म व गाढ़े लावा से पृथ्वी के अंदर के तापमान, दाब व घनत्व की जानकारी मिलती है, परंतु यह लावा मात्र कुछ किलोमीटर की गहराई तक का ही सैंपल होता है, मतलब उसकी जानकारी देता है। इसी प्रकार पृथ्वी की सबसे गहरी खनन भी मात्र 4 किलोमीटर की दक्षिणी अफ्रीका की पोंगांग स्वर्ण खान है, जो 3.99 किलोमीटर की है, कि गहराई तक की ही सूचना दे पाती है। खनन भले ही धरातल के नीचे की विशेषता, चट्टानों का संगठन व संरचना आदि का प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है, परंतु इनकी सीमा पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6400 किमी की तुलना में लगभग नगण्य है। उसकी तुलना में क्या है? लगभग क्या है? नगण्य है। पिंडों, वर्तमान में उल्का पिंडों के अवशेषों तथा शुद्र ग्रहों, धूम केतु, चंद्रमा, मंगल ग्रह जैसे आकाशीय पिंडों पर अन्वेषण तथा अध्ययन से भी भू अभ्यंतर के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु इनसे प्राप्त ज्ञान पृथ्वी के संदर्भ में द्वितीयक ही रहेगा। आपको बता दें, आज हम जो है मंगल ग्रह पर पहुंच जाते हैं और मंगल ग्रह के विभिन्न कोनों पर पहुंच करके ये पता लगा लेते हैं कि किस तरह से हमें काम करना है और किस तरह से हमारी पृथ्वी की संरचना होगी, लेकिन ये द्वितीयक ज्ञान है, प्राथमिक ज्ञान कभी हो ही नहीं सकते। उपर्युक्त स्रोतों के विपरीत भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से भू सतह से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक की संगठनात्मक व संरचनात्मक विशेषताओं एवं उनमें हो रहे परिवर्तनों का ज्ञान संभव हो चुका है। भूकंप आने पर उसके अधिकेंद्र से निकली प्राथमिक एवं द्वितीयक तरंगे पृथ्वी के भीतर से गुजरते हुए पुनः सतह पर प्रकट होती हैं। आपको बता दें कहां प्रकट होती हैं? सतह पर प्रकट होती हैं, और यही सतह जो है उपयुक्त स्रोतों के विपरीत भूकंपी तरंगों के अध्ययन से भू सतह से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक की संगठनात्मक
वह संरचनात्मक विशेषताओं का उनमें हो रहे परिवर्तनों का ज्ञान संभव हो चुका है। भूकंप आने पर उसके अधिकेंद्र से निकली पृथ्वी का द्वितीयक तरंगे पृथ्वी के भीतर से गुजरते हुए पुनः सतह पर प्रकट होती हैं। कहां प्रकट होती हैं? पृथ्वी के सतह पर प्रकट होती हैं। भू सतह पर विस्तृत सिस्मोग्राफ स्टेशनों पर इन तरंगों का अध्ययन किया जाता है। तरंगों को आने में लगा समय, तरंगों के विचलन, परावर्तन व अनुपस्थिति आदि के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान के आधार पर ही पृथ्वी को विभिन्न स्तरों क्रस्ट, मेटल व क्रोड, पृथ्वी के तीन स्तर होते हैं क्रस्ट, मेटल और क्रोड में विभाजित किया गया है। विभिन्न स्तरों की विभिन्न विशेषताओं यथा वाह क्रोड तरल है जबकि क्रोड का आंतरिक भाग ठोस है का ज्ञान संभव हो पाया है, जो अन्य किसी भी स्रोत से ज्ञात होना लगभग असंभव था। जिसको हम कहां से प्राप्त करते हैं? यहां से प्राप्त कर। आप जान लीजिए कि पृथ्वी के जो भाग हैं ये है आपके तीन भाग हैं पृथ्वी के। इसको बोला जाता है सियाल, सियाल इसको बोला जाता है सीमा, इसको बोला जाता है निफे। तीन भाग हैं सियाल, सीमा, निफे। आप जानते हैं सियाल सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ है, सीमा जो है सिलिका और मैग्नीशियम से, और सबसे जो ठोस भाग है वह बना हुआ है निकिल और फेरियम से, निकिल और फेरियम से बना हुआ है। इस तरह का यह बना हुआ भाग होता है। यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के साधन को जानने के साधन क्या क्या हैं? आपको बता दें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानना है इसके तीन मतलब जो साधन है तीन साधन माने गए हैं। पहला है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी सतह के नीचे की खुदाई। तो ज्वालामुखी का गुण क्या है? पारस्परिक पारंपरिक साधन है। दूसरा है नीचे की विशेषताओं का ज्ञान कराता है, चट्टानों की संरचना व संगठन का ज्ञान ये करा देता है। इसकी सीमाएं क्या हैं? ये प्रत्यक्ष ज्ञान है और सीमित गहराई तक की ही जानकारी देता है। जैसा कि आप जानते हैं लगभग 4 किमी की गहराई देता है, और ये जो है सोने की खान है जो अफ्रीका की है, और उसकी गहराई जो है 3.9 है। इतनी ही ये जानकारी दे पाता है, उसके नीचे की जानकारी यह नहीं देता है। ठीक है, उसके नीचे की जानकारी न देने के कारण यह पूर्णता जो है उस तरह से मान्य नहीं होता है। दूसरा है गुण की बात करें, भूगर्भ के अगम्य विशेषताओं का अनुमान लगाता है। दूसरा, इसकी सीमाएं क्या हैं? सीमित सैंपल उपलब्ध कराता है। मैंने आपको बताया कि केवल 3.4 किलोमीटर अर्थात लगभग 4 किलोमीटर की ही गहराई की बात बताता है। विकासशील अवस्था का ज्ञान ये देता है, और विकासशील अवस्था का ज्ञान देता है मतलब विकसित ज्ञान को यह नहीं देता है, जिसके कारण यह जो है अधूरा ज्ञान माना जाता है। क्या माना जाता है? यह अधूरा ज्ञान माना जाता है। इसके संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको अन्य कारणों पर भी निर्भर होता है। जैसे मान लीजिए मंगल ग्रह, मंगल ग्रह पर आप जाते हैं, चंद्रमा पर जाते हैं, इनसे भी हम कुछ द्वितीयक ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? द्वितीयक ज्ञान प्राप्त करते हैं जो हमारे पूर्णतः इस विकासशील अवस्था को विकसित अवस्था में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? विकसित अवस्था में बदल देते हैं। ठीक है, इस अवस्था में इसको लाकर खड़ा कर देते हैं। अब भूकंपीय तरंगों की बात करें, जो भूकंपीय तरंगे होती हैं ये जो इसके गुण क्या हैं? संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करता है। जो भूकंपीय तरंग होते हैं, भूकंपों से हम संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, भूकंप से संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन, संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन, संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन इसके माध्यम से हम करते हैं। अनेक पुनरीक्षणों द्वारा स्थापित किया जाता है, अनेक पुनरीक्षणों द्वारा यह स्थापित किया जाता है, और केवल अनुमान पर आधारित। इसकी सीमाएं क्या हैं? केवल अनुमान पर आधारित होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान का इसमें अभाव होता है। जबकि प्रत्यक्ष ज्ञान हम प्राप्त करते हैं कहां से? ये ज्वालामुखी से।
ज्वालामुखी से प्राप्त करते हैं, और ये जो है आपका अप्रत्यक्ष ज्ञान होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष ज्ञान होता है, क्योंकि भूकंप जो है, भूकंप में कोई भी पदार्थ ऊपर से नीचे से ऊपर को नहीं आने के कारण ये क्या होता है कि आपको अधूरा ज्ञान देता है, जबकि संपूर्ण ज्ञान आपको देता है। इस तरह का ये आपका सिद्धांत रहा है। अब हम बात करते हैं कि अतः जो है अंततः भूकंपीय तरंगों द्वारा प्राप्त सूचनाएं भले ही अप्रत्यक्ष हैं, वैज्ञानिक विधि द्वारा इनके संकलन व विश्लेषण में हमें संपूर्ण पृथ्वी के विषय में सर्वाधिक तार्किक ज्ञान प्रदान किया है। यह जो है आपको तार्किक ज्ञान भी प्रदान किया है, बिना इसके ज्ञान के आप इसको समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है। अब हम लोग चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की, वो है आपका, इसको समझ गए होंगे लिखने का तरीका क्या है, इसके लिखने का तरीका आपको बता दें कि जब ये प्रश्न आप लिखते हैं तो इस ग्राफ को बनाना बहुत जरूरी है। जो ये ग्राफ बना है मेंस में, इन ग्राफों से नंबर बहुत मिलते हैं। आपको बता दें ये जो ग्राफ होते हैं, ग्राफों से नंबर बहुत ज्यादा प्राप्त होते हैं, ये बता दें आपको। ऐसी ग्राफ जैसे इसके लिखना है, ये ग्राफ इसको जब पूरा लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको क्या करता है, अगर मान लीजिए कि 20 नंबर का है, 20 अंक का है, तो 20 की जगह पर आपको जो है कम से कम अगर 12 भी देता है, 12 नंबर देता है, 12 नंबर आपको इतना ज्यादा है कि आप जान लीजिए कि परसेंटेज जो है कभी भी 60% मेरिट गई ही नहीं यूपीएससी की मेरिट को 50% जाती है, 50% आपको निश्चित रूप से आईएएस मिल सकता है। तो आप जान लीजिए कि इसको आप इस तरह से पढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है वह है आपका भूकंपीय तरंगों के बिना पृथ्वी के अभ्यंतर ज्ञान असंभव है। आप भूकंपीय तरंगों के बिना पृथ्वी के अभ्यंतर ज्ञान क्या होता है, असंभव है। आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, इसकी आलोचनात्मक व्याख्या करना है कि बिना इसके ज्ञान असंभव क्यों है। प्रश्न विचार की बात करें तो प्रश्न विचार इसका क्या है, प्रश्न विचार ये है कि यह जो है आपको जो है इसमें प्रश्न में भूकंप के कारणों पर चर्चा करने का निर्देश है। पहली बात, भूकंप के कारणों की चर्चा करने का निर्देश है। प्रश्नगत कथन यह कहता है कि भूकंप के दो कारण हैं। भूकंप के कितने कारण हैं? दो कारण हैं। पहला है प्राकृतिक कारण, स्वयं आता है। दूसरा वह मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप बुलाया जाता है। पहले तो आ जाता है और दूसरा मानवीय गतिविधियों द्वारा उसे क्या होता है, बुलाया जाता है। प्रश्न में कथन के परीक्षण का निर्देश है, अर्थात यह परीक्षण किया जाता है कि कथन सत्य है अथवा असत्य है। आप जान लीजिए कि अगर प्रश्न में इस तरह की बात की गई है तो यह देखा जाता है कि क्या प्रश्न यह सत्य है या असत्य है। इस बात का भी जिक्र यहाँ पर किया जाना आवश्यक होता है। अब इनको इस बात को समझ गए होंगे आप देखिए कि इसका उत्तर अगर आपको जानना है अब ठीक से, तो आप देखिए, उपर्युक्त कथन इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि भूकंप केवल प्राकृतिक कारणों से ही नहीं आते हैं, अपितु कई बार अवैज्ञानिक एवं अनियोजित मानवीय क्रियाकलाप से भी भूकंप कारण बनते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है भूमि का कंपन। भूकंप का शाब्दिक अर्थ क्या है? भूमि का कंपन होना ही भूकंप का शाब्दिक अर्थ है। किसी एक कारण से नहीं अपितु अनेक कारणों का परिणाम होता है। भूकंप किसी एक कारण का नहीं बल्कि अनेक कारणों का क्या होता है, परिणाम होता है।
भूकंप के प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं? ज्वालामुखी क्रिया भूकंप का एक प्रमुख कारण है। आप जानते हैं कि ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी, ज्वालामुखी से जो है भारी मात्रा में तरल मैग्मा बाहर की ओर आएगा, और ये तरल मैग्मा जो बाहर की ओर आता है ज्वालामुखी क्रिया से, तो ये क्या होता, स्थल को क्या करेगा, स्थल प्रक्रिया को ये क्या करेगा, पृथ्वी के इधर के भाग और इधर के भाग दोनों इसका स्थान घेरना चाहेंगे। जब स्थान घेरेंगे तो पृथ्वी में तनाव के बाद सिकुड़न आएगा, जब सिकुड़न आएगा तो यही सिकुड़न किसमें बदल जाएगा, भूकंप में बदल जाता है, और निकटवर्ती क्षेत्रों में भूकंप इसी कारण आते हैं। तीव्र एवं विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी के निकटवर्ती क्षेत्रों में भूकंप इसी कारण से आते हैं, क्योंकि जापान में महत्वपूर्ण ज्वालामुखी भी हैं, इसी कारण है जापान में और सबसे ज्यादा जो है भूकंप आने की प्रक्रिया भी होती है। तो जहां पर ज्वालामुखी अधिक होंगे वहां पर भूकंप भी ज्यादा आएंगे, जहां पर ज्वालामुखी कम होगा वहां पर भूकंप भी कम आते हैं, इस तरह के। अब बात करते हैं भूकंप, भूकंप क्या है, भूकंप क्या है, पृथ्वी का कंपन, भूकंप क्या है, पृथ्वी का कंपन, प्राकृतिक कारण और इसके मानवीय कारण। भूकंप के दो कारण होते हैं, पहला होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है मानवीय, पहला प्राकृतिक और दूसरा मानवीय। तो प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण, भूकंप आने के दो कारण हैं। ज्वालामुखी क्रिया, प्राकृतिक कारणों में ज्वालामुखी के कारण भूकंप आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं तीन प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, शांत, जागृत और प्रसुप्त। और इसके बाद टेक्टानिक क्रियाएं होती हैं, वेगनर का सिद्धांत है टेक्टानिक क्रिया। और इसके बाद मैग्मा, मैग्मा द्वारा धरातल के भीतर का दबाव, हिमखंडों का गिरना, गुफाओं का धसना आदि, पृथ्वी की आंतरिक सिकुड़न से उत्पन्न तनाव और अपरदन तथा अपक्षयन के कारण उत्पन्न धरातली असंतुलन, ये सभी कारण जो है ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां, ये सभी कारण बनेंगे पृथ्वी पर भूकंप आने के कारण बनेंगे। इसके बाद मानवीय कारणों की बात करें, मानवीय कारण में बांध में रोके गए जल के कारण भूकंप आता है। जैसे आप बांध बना लेता है, सरकार जो है अनेक बहुनदी घाटी परियोजनाएं और बड़े बड़े बांध बनाता है, जिसके कारण तनाव और दबाव पृथ्वी पर उत्पन्न होता है। इन्हीं तनाव और दबाव के कारण भी भूकंप आते हैं, भूकंप आते हैं, क्योंकि पृथ्वी के भार में असंतुलन आता है, असंतुलन होने के कारण तनाव होगा, और जब बांध खाली होगा तो बांध खाली होने पर क्या होगा, वह जो है भार हल्का होगा, तो तनाव और दबाव के कारण पृथ्वी क्या होगा, भूकंप आने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। परमाणु विस्फोट, जैसा आप जानते हैं पोखरण है आपका वहां पर, और जो है अन्य और कारण है, सतीश धवन केंद्र है वहां पर, जब परमाणु बम गिराए जाते हैं और उनका परीक्षण किया जाता है, उससे भी पृथ्वी में तनाव और कंपन उत्पन्न होगा, इससे भी भूकंप आने के कारण होते हैं। फिर आता है औद्योगिक विस्फोट, औद्योगिक विस्फोट से भी भूकंप आने के कारण बनते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के अतिरिक्त कभी कभी मैग्मा सतह पर न आ पाने के कारण, जो है ज्वालामुखी क्रिया के अतिरिक्त कभी कभी मैग्मा सतह पर न आ पाने के कारण धरातल के अंदर ही दबाव डालता है, धरातल के अंदर ही क्या करेगा, दबाव डालेगा, इससे भी भूमि में कंपन उत्पन्न होता है, इससे भी भूमि में क्या होगा, कंपन उत्पन्न होगा। कभी कभी पृथ्वी के आंतरिक सिकुड़न के कारण शैलों में संतुलन में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, और पुनः संतुलन स्थापन के क्रम में भूकंप की घटना घटित होने लगती है। यह जो है भूकंप के प्रमुख कारण हैं। अब अगला देखिए, पृथ्वी की धरातलीय संरचना, पृथ्वी की धरातलीय संरचना, पृथ्वी की धरातलीय संरचना, पृथ्वी की धरातलीय संरचना में अपक्षयन तथा अपरदन के कारण कभी कभी असंतुलन व्याप्त हो जाता है, जिससे चट्टानों पर तनाव पड़ता है,
चट्टानों के तनाव प्रबंधन के क्रम में भूकंपीय घटनाएं घटित होती हैं। क्या होती हैं भूकंपीय घटनाएं? क्या होती हैं? घटित होने लगती हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के धरातलीय प्लेटों के संचरण के परिणाम स्वरूप दो प्लेटों के संधि बिंदु पर भूकंपीय घटनाएं देखी जा सकती हैं। जैसे दो अगर प्लेट होंगी, इस पर जो संधि बिंदु होगा यहां पर भूकंप आएगा। कहां पाएगा भूकंप? यहां पाएगा, यहां पर भूकंप आएगा, यहां पर बिंदु पर। ए और बी जो है ये संधि बिंदु है। क्या है? संधि बिंदु है। संधि पर ही अर्थात जोड़ पर ही हमेशा भूकंप आते हैं। कभी कभी हिमखंडों परिणाम स्वरूप संचरण। इसके बाद आपको बता दें, इसके अतिरिक्त दो बिंदुओं के भूकंपीय घटनाएं देखी जाती है, क्योंकि संधि बिंदु विशेषकर आरक्षी प्लेट के किनारे, घर्षण प्लेट के किनारे, आरक्षी और विशेषकर घर्षण के किनारे, प्लेट किनारे, चट्टानों पर भी भारी तनाव उत्पन्न होता है। कभी कभी हिमखंडों के गिरने, गुफाओं की छतों के ढहने आदि से भूकंप आते हैं। भूकंप के मानवीय कारण क्या क्या हैं? भूकंप के मानवीय कारणों में बांधों को भूकंप का प्रमुख कारण माना जाता है। संवेदनशील भूक्षेत्रों में बांध बनाकर जल रोकने से जल के भार से उत्पन्न तनाव भूकंप का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त परमाणु विस्फोटक, औद्योगिक गतिविधियों हेतु किए गए विस्फोटक, भारी मशीनें व रेलवे आदि भी भूकंप का कारण बनते हैं। जैसे रेलवे की पटरियों पर ट्रेन दौड़ रही है, यह भी धीरे धीरे क्या होती है? भूकंप उत्पन्न करती है। यह भूकंप जो है निश्चित रूप से बहुत ही घातक होते हैं। इस तरह स्पष्ट है कि भूकंप प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों कारणों से आते हैं। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी काबिले गौर है कि अवैज्ञानिक मानवीय बसावट के कारण भूकंप का एक प्राकृतिक घटना मात्र से एक आपदा में भी परिवर्तित हो जाती है। यह भूकंप का बहुत बड़ा कारण बनता है। अगला प्रश्न है निश्चित अगला प्रश्न आप समझ ही, पिछला प्रश्न आप अच्छी तरह समझ लिए होंगे। अगला प्रश्न है आपका तापमान के भौगोलिक वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान कीजिए। तो तापमान क्या है, फिर तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, इसकी बात करें। पृथ्वी की सतह पर तापमान में काफी विषमताएं पाई जाती हैं। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में तापमान अधिक तो वहीं ध्रुवीय क्षेत्रों में कम तापमान पाया जाता है। इसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान कम और मैदानी क्षेत्रों में तापमान अधिक पाया जाता है। इस संबंध में तापमान के भौगोलिक वितरण को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। भूकंप इसको तापमान को कौन कौन प्रभावित करता है? यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, मेंस में इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। लवणता और तापमान दोनों आ चुके हैं क्वेश्चन। तो अक्षांशीय वितरण प्रभावित करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पृथ्वी है आपकी, क्या है? पृथ्वी है, ये पृथ्वी है आपकी। और पृथ्वी पर जो कारक बनते हैं, मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी पर आप जैसा कि जानते हैं ये क्या है, भूमध्य रेखा, जीरो अंश पर भूमध्य रेखा है। इसके ऊपर ये 23/1/2 रेखा है, इसके ठीक नीचे जो है 23/1/2 रेखा, एक कर्क है। कौन सी रेखा है? कर्क है। ये मकर है, मकर रेखा है। और ये क्या है आपकी? कर्क रेखा है। कौन सी? कर्क रेखा है। कर्क रेखा, जैसे आप भूमध्य रेखा से इधर की ओर जाएंगे, ध्रुव है, इसे नॉर्थ ध्रुव बोलते हैं, इसे साउथ बोलते हैं। और इधर आएंगे, आपको बता दें इधर आएंगे तो भी तापमान क्या गया? घटेगा। और इधर जाएंगे तो भी घटेगा।
अर्थात यहाँ जो बीच का भाग है यहाँ पर तापमान सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा तापमान होगा। क्या होगा? सबसे ज्यादा तापमान होगा। तो अक्षांशीय विस्तार भी तापमान को प्रभावित करता है। जिन जो क्षेत्र जो है भूमध्य रेखा से जितना ही दूर होगा वहां तापमान उतना ही कम होगा, और जो क्षेत्र भूमध्य रेखा के जितना ही नजदीक होगा वहां पर तापमान उतना ही ज्यादा होगा। यही कारण है उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों पर तापमान कम होता है, बाकी शेष जगह पर तापमान बराबर बना रहता है। प्रचलित हवाएं भी तापमान को प्रभावित करती हैं। हवाएं जो है जैसे गर्म क्षेत्रों से आने वाली हवाएं तापमान बढ़ा देंगी, ठंडे क्षेत्रों से आने वाली हवाएं क्या करेंगी जो है इसको घटा देती। इसके बाद स्थल व जल का प्रभाव आपको बता दें, जहां जल और स्थल, जैसे मान लीजिए जहां पर रेगिस्तान ही रेगिस्तान है वहां पर गर्मी ही गर्मी होगी, क्योंकि आप जानते हैं जहां पर जल होगा वहां पर तापमान न तो जल्दी कम होता है न ही जल्दी ज्यादा होता है। उसका रीजन है क्योंकि जल स्थल की अपेक्षा धीरे धीरे ठंडा होता है और धीरे धीरे गर्म होता है। यही कारण है कि सागर के तट पर, कहां पर, सागर के तट का तापमान सदैव एक जैसा रहता है। अक्षांशीय वितरण भी प्रभावित करता, ऊंचाई प्रभावित करता है। जैसे जैसे आप बहुत ज्यादा ऊंचाई पर चले जाएंगे तो ठंडा प्रदेश होता चला जाएगा, जैसे हिमालय बहुत ऊंचाई पर होने के कारण बर्फों से घटा। समुद्री धाराएं भी इसको प्रभावित करती हैं, क्योंकि ठंडी जल धाराएं जहां से गुजरती हैं वहां का मौसम ठंडा होगा, और जहां पर गर्म जल धाराएं गुजरती हैं वहां पर मौसम क्या होगा, गर्म हो जाएगा। भौगोलिक वितरण को प्रभावित करने वाले ये प्रमुख कारक हैं। कौन कौन? अक्षांशीय विस्तार, प्रचलित हवाएं, स्थल व जल का प्रभापन, समुद्री धाराएं और ऊंचाई इसको प्रभावित करती हैं। अक्षांशी विस्तार वितरण, अक्षांशी वितरण कैसे प्रभावित करेगा आपको बता दें। अक्षांशीय वितरण सूर्य की लंबवत किरणें पृथ्वी के केंद्र केवल कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य पर पड़ती हैं, इसीलिए भूमध्य रेखा पर प्रति इकाई सूर्यातप अधिक मात्रा में आती है। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ते जाएंगे प्रति इकाई आने वाले सूर्यातप की मात्रा कम होती जाती है और संबंधित क्षेत्र में तापमान कम होने लगेगा। जैसे ये आपकी जो पृथ्वी है, ये आपकी मान लीजिए पृथ्वी है, और ये पृथ्वी की तीन महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। ये आपका 23 सही 1/2 कर्क रेखा है। क्या है? कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। ये आपकी है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा किस अंश पर होती है? 0 अंश पर होती है। ये आपकी है मकर रेखा। आप जैसे देखते होंगे ठंडी में जब सूर्य मकर रेखा पर आ जाता है, ये भी 23 सही 1/2 पर होती है। जब सूर्य भारत, जैसे आप जानते हैं भारत पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध माने ये उत्तरी गोलार्ध है, ये साउथ है, दक्षिणी गोलार्ध, ये है आपका ईस्ट, ये है आपका वेस्ट। तो सूर्य भारत जो है प्राय क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो आपको बता दें कि जब ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जब सूर्य मकर रेखा पाएगा, इस रेखा पा जाता है सूर्य, तो भारत में अपने आप ठंडी आ जाती है। अगर कर्क रेखा पर भारत आ, क्योंकि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, तो कर्क रेखा पर जब आती है तो कर्क रेखा पर सूर्य आता है तो भारत में गर्मी पड़ने लगती है, ये प्रक्रिया होती है। तो निश्चित रूप से अक्षांशीय विस्तार और सूर्य की पृथ्वी की गति तापमान को निश्चित रूप से प्रभावित करेगी। अब आप इसको ग्राफ द्वारा देखिए, ये आपका सूर्य का प्रकाश है। क्या है? सूर्य का प्रकाश है, और ये आपकी पृथ्वी है। प्रकाश का फैलाव अगर देखें हम,
तो प्रकाश का प्रसारण कम क्षेत्रों में कैसे पड़ेगा, ये आपकी सीधी किरण आ रही किस पर, जीरो अंश पर, जीरो अंश पर सीधी किरण है, और ये आपके लंबवत किरणें आ रही जो कहां पर आ रही, इधर ध्रुवों पर आ रही हैं, ये आपका साउथ ध्रुव है, ये नॉर्थ ध्रुव है, यहां पर जो भाग हो